हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राजकोर के आज के नए व्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 12:30 और मैं अभी छत पे आई थी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा मेरा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन छत पे मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ, तो मैं बैठी यहाँ क्योंकि वहाँ आपको दिखाती हूँ छत पे, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, कहीं भी जगह नहीं मिली मुझे बैठने के लिए। यहाँ देखिए दीवारों के आसपास भी कहीं भी जगह नहीं है, और एक यहाँ थोड़ी सी छाया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना क्या स्पेस। में से जगह में मैं तो बैठ नहीं सकती, तो मुझे बैठना पड़ा यहाँ। दिन में छत पे रिकॉर्डिंग करने का एक बेनिफिट है कि इतनी धूप में कोई भी यहाँ छत पे नहीं रहता है, जिससे कि मैं डिस्टर्ब हो सकूँ या मुझे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो मुझे तो धूप लग रही है, बट कोई नहीं। मैंने दिन में रिकॉर्डिंग शुरू की थी 12:30 के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 7, क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि दिन में अक्की सोता नहीं है, ना सोने देता है, ना कोई काम करने देता है, जिसकी वजह से अभी टाइम हो गया 7:15 और अभी अक्की और उसके दादी सा गए हैं बाहर घूमने के लिए, तो अपन भी चलते हैं वहीं। और हाँ, जो मेरा जो लास्ट ब्लॉग था जिसमें मैंने दिखाया था कि जयपुर की क्या न्यूज़ है लेटेस्ट, तो उसमें अभी सब कुछ सेफ ही बताया जा रहा है फिलहाल तक। अभी 2 दिन और बाकी है, तो आगे भी सब सेफ रहेगा, तो टेंशन वाली इतनी कोई बात है नहीं। तो अभी चलते हैं नीचे, उसके दादी सा और अक्की दोनों गए हैं घूमने के लिए। आगे जाइए वो घूम के आयो है कि पापा की गाड़ी पीछे घूम लो, तुम्हें घूमे चक्कर काटे ये घूम रहा है। अभी शाम हो ही गई, तो हमेशा की तरह मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में, डिनर की तैयारी। आज डिनर में बन रहा है हमारे स्पेशल कढ़ी लापसी, और मम्मी जी कढ़ी लापसी अच्छी बनाते हैं, तो आज मम्मी जी बना रहे हैं। गुनू भैया परेशान कर रहे हैं, छोड़ दे छोड़ दे। तो आज का डिनर हो चुका है रेडी, तो मैंने आपको दिखाया था कढ़ी तो पहले बनी गई थी, और ये भी एक बार दिखा देती हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे में खोल लगा दी, बहुत ज्यादा गर्म है। खड़े हो के नाचो, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और आपको पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ आ ही रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, और धूप देख के भी और नहीं भी समझ में आ रहा है तो इस काम आई थी मैं। और जैसे आपको पता है कि मैं छत पे कपड़े सुखाने आती हूँ, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, और मैं इसलिए भी यहाँ रिकॉर्डिंग करती हूँ कि इस टाइम अक्की के सोने का टाइम होता है, और अक्की इस टाइम सो रहा है, तो मैं सोचती हूँ वहाँ अगर मैं बोलूँगी तो डिस्टर्ब होगी उसको, तो बस थोड़ी सी आवाज़ चाहिए जितने में जग के बैठ जाता है, तो जब तक सो रहा है तो तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो मैं छत पर आकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ मेरी। और अभी मैं जाती हूँ नीचे, खाना वगैरह सब कुछ बना लिया, बस खाना है और बस घर का यही काम, अभी तो घर का सारा काम हो चुका है, बस खाना खाना है, रेस्ट करना है, नॉर्म बस। Come on.
एक बार के लिए मैं ये फोन छुपा देती हूँ, मतलब कुर्सी के नीचे, देखते हैं कि पता चलता है या नहीं। वैसे वो बहुत ध्यान रखता है आसपास की चीज़ों पे, शायद पता चल जाए, लेकिन मैं फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ। अभी मैंने कुर्सी के नीचे कैमरा सेट कर दिया, मतलब फ़ोन रख दिया है अक्की की एक्टिविटी देखने के लिए कि देखें क्या करता है अक्की। तो मैंने बुलाया अभी अक्की को और वो आ भी गया। और सबसे पहले ही नोटिस, तो भगवान, इसने देख लिया, ये मांग रहा कि देखो इधर फ़ोन रखा है, मुझे बता रहा हो रहा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको बहलाने फुसलाने की, ईयरफोन दिखा रही हूँ कि देखिए क्या है, ईयरफोन है, इससे देख गाने भी सुनते, कैसे सुनते गाने, ये सब इसको बता रही हूँ ताकि ये भूल सके उस चीज़ को कि यहाँ से देख ऐसे लगा के गाने सुनने। बट नहीं, इसने देख लिया कि फ़ोन वहाँ रखा है तो वो तो लेना ही है। अब मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इसने देख लिया और अब ये आ रहा है इसे लेने के लिए साइड से। मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया अक्की ने। पागल थोड़ी तो दे एक तो की काय तुम देवा को नहीं बोले बावड़ा बनाए ओए बावड़ा बना दे रे जुलम मत करो रे बच्चे के साथ।